हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.5 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। सो यहाँ पे अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू इस तरह से है, सबसे पहली बात, पार्शियली स्प्लिट करने से पहले सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आपको ये चीज़ नोट करनी होती है कि आपके पास डिनोमिनेटर की डिग्री ऑब्वियसली ग्रेटर होनी चाहिए न्यूमरेटर से, और जो कि है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये वैल्यू अभी भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एक्स क्यूब बनेगा, राइट। तो नीचे की जो डिग्री है वो 3 है एंड ऊपर क्या है, सिर्फ एक्स, दैट मीन्स एक्स की पावर 1। सो डेफिनेटली डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे बड़ी है, ऑब्वियसली हम आराम से इसको स्प्लिट कर सकते हैं पार्शियली। अब पार्शियली स्प्लिट करने से पहले या अपने फंक्शन को लेट करने से पहले हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आएंगे। सो अगर आप नोट कर रहे होंगे तो मैंने साइड में लिखा हुआ है, हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। सो जैसे ही आप इसको इस तरह से लिखते हो, आपके माइंड में एक आइडेंटिटी आती है स्मॉल सी, जो कि बहुत ही ईजी है, दैट मीन्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी, ए प्लस बी। सो जैसे ही आप इसको इस तरह से लिख पाएंगे तो आप कैसे देखेंगे अपने फंक्शन को, ओवरऑल बहुत ही ईजी होगा स्प्लिट करने के लिए। अब एक बार x प्लस 2, एक बार x माइनस 2। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास ये जो फंक्शन था अब इस तरह से हो गया, और इस तरह के फंक्शन को स्प्लिट करना पार्शियली बहुत 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 ईजी होता है, राइट। सिंपल इक्वल्स टू इस पूरे फंक्शन को a प्लस बी प्लस सी एंड अपॉन दिस दिस दिस, ये वैल्यू लिखनी होती है, नथिंग एल्स, है ना। तो अब हम जैसे कि हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम अपने फंक्शन को लेकर आ चुके हैं, तो अब इसको मैं पार्शियली स्प्लिट ईजिली कर सकती हूँ, एक बार a कॉन्स्टेंट, एक बार b कॉन्स्टेंट और एक बार c। सो ये बहुत ही सिंपल वाला है, राइट। और इसके नीचे x माइनस 2। सो नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, और यहाँ पे लेना होता है एलसीएम। तो आपके पास ये 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं एलसीएम में, वो डेफिनेटली एज इट इज़ आ जाएंगी। सो a के नीचे अब क्या है, x प्लस 1, तो उसके अलावा वाली वैल्यू a के साथ आ जाएंगी ऊपर मल्टीप्लाई में, x प्लस 2, x माइनस 2। अब b के नीचे x प्लस 2 है, इसके अलावा वाली वैल्यू b के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। अब c के नीचे जो है x माइनस 2 है, तो इसके अलावा वाली टर्म्स c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो आपके पास ये वैल्यूज आई हैं आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अब आप नोट कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का बेस एंड राइट हैंड साइड का बेस इक्वल है, तो जो कि कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दो। अब आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है, 5x इक्वल्स टू दिस होल वैल्यू। इसमें अब हमें क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप, ये भी आपको पता है। सबसे पहली बात, इन ब्रैकेट्स वैल्यूज को देखते ही पता चल जाता है कि आपको x की वैल्यू ऐसी क्या क्या पुट करनी है कि कुछ ना कुछ ज़ीरो बन जाए और आपके कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आ जाएगी जैसे ही कुछ ना कुछ ज़ीरो बनेगा, राइट। सो इतना क्लियर है कि पॉजिटिव 2, नेगेटिव 2 है यहाँ पर और पॉजिटिव 1 है, है ना, आपके पास पूरी इन टर्म्स में अगर आप ढूंढेंगे तो। सो यहाँ पर आपको अगर इस टर्म को ज़ीरो बनाना है, या तो आप 2 लिख दो या फिर माइनस 2 लिख दो। तो x की आपके पास जैसे a, b, c मेन आप वर्किंग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने फंक्शन को इसके इक्वल ले लिया है। मतलब अभी मेरे को इसको ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका सॉल्व करना नहीं आता है, पार्शियली से मुझे आता है, तो मैंने इसको पार्शियली स्प्लिट कर दिया, इस फंक्शन को इसके इक्वल ले लिया। सो अब मेरा जो फंक्शन है ये उठकर इक्वल इसके हो चुका है, तो डेफिनेटली अगर मुझे इंटीग्रेशन करना होगा अगर इस फंक्शन का, तो मतलब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। सो मतलब कहने का, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है उससे पहले मुझे ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बस वो ए बी सी वैल्यू निकालने के लिए हमने ये नेक्स्ट स्टेप लिया था एलसीएम, और एलसीएम के बाद वाला स्टेप भी बहुत ईजी है, जिसमें कि आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू इसको देख कर ही लिख लेते हो, ताकि जो आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ जाती है, है ना। तो यहाँ से अब हम नेक्स्ट स्टेप में वही सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल्स टू एक बार पॉजिटिव 2, ताकि आप यहाँ पे कुछ डालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा, c की वैल्यू ज़रूर आ जाएगी, एक बार नेगेटिव 2 और एक बार नेगेटिव 1, क्योंकि पॉजिटिव 1 है। तो आपको ये देखना होता है कि आपके पास ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं एक्स की ले सकते हो जो बना दे किसी ना किसी वैल्यू को ज़ीरो।
तो हमने थ्री वैल्यूज़ ले ली हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थ्री आउटपुट्स आएंगे ए बी सी। तो सबसे पहले आप इनमें से कोई भी वैल्यू डाल सकते हो पहले एक्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पुट कर रही हूँ एक्स इक्वल्स टू टू। सो जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूँगी एक्स इक्वल्स टू टू, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही टू डलेगा ये पूरा ज़ीरो बन जाएगा, ऐसे ही यहाँ टू डलेगा तो ज़ीरो बन जाएगा पूरी टर्म, है ना। और लेकिन यहाँ पर जब मैं टू डालूँगी तो आपके पास वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से। तो ये तो ज़ीरो है, सो टेन डिवाइड बाय ट्वेल्व आई है सी की वैल्यू, मतलब सी की वैल्यू क्या है, फाइव अपॉन सिक्स। नेक्स्ट मैं वैल्यू लेने वाली हूँ, पुट करो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू। अगेन जब मैं यहाँ पे माइनस टू डालूंगी ये फिर से ज़ीरो बन जाएगा, यहाँ पे माइनस टू डालूंगी यहाँ ज़ीरो नहीं बनेगा। तो माइनस टू माइनस टू, एक्स की जगह ही हम माइनस टू डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैं अगर माइनस टू डालती हूँ तो ज़ीरो बन जाता है, ये ज़ीरो बन गया, ये ज़ीरो बन गया। अब यहाँ पे b की वैल्यू आएगी माइनस फोर, यहाँ से ये माइनस वन, ये हो गया माइनस माइनस पॉजिटिव फोर। सो दैट मीन्स b की वैल्यू आई है माइनस फाइव बाय टू। सो c की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, अब आपकी वैल्यू आएगी नेक्स्ट a की, जब आप पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस वन। सो अब मैं अपनी इक्वेशन में माइनस वन डाल देती हूँ जहाँ पर भी x है। अगेन यहाँ पे माइनस वन डालूंगी तो ये ज़ीरो बन जाएगा, यहाँ पर भी माइनस वन डालूंगी ज़ीरो बन जाएगा। सो माइनस फाइव इज इक्वल्स टू, सो ये क्या है माइनस थ्री, इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो फाइव के साथ माइनस है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू आई है किसकी, ए की, मतलब ए की वैल्यू क्या है फाइव बाय थ्री। सो आपके पास ए बी सी जो कॉन्स्टेंट्स आपको फाइंड करने थे अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, वो आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इन ए बी सी वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देते हैं जो हमने स्टार्टिंग में फंक्शन को लेट किया था। सो हम अपने फंक्शन को किस तरह से लेट कर चुके थे, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस टू। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है दैट मीन्स हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट, जो कि हमने लेट किया था। सो ए बी सी की वैल्यू हम अब यहाँ पर आराम से पुट कर सकते हैं और अल्टीमेटली इसको हमें इंटीग्रेट करना है। बी की वैल्यू आई थी माइनस फाइव बाय टू। सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इंटीग्रेशन को इस तरह से स्प्लिट कर दिया है। अब आप कॉन्स्टेंट की वैल्यू अलग से बाहर निकाल सकते हो। अल्टीमेटली अब आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, वन अपॉन एक्स प्लस वन, वन अपॉन एक्स प्लस टू एंड वन अपॉन एक्स माइनस टू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स का क्या होता है, एक्स यहाँ पे क्या है एज अ फंक्शन, है ना, तो ये भी एक तरह का फंक्शन ही है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड में एक्स। तो यही फंक्शंस को जब मैं इंटीग्रेट करूँगी तो उनका इंटीग्रेशन भी एग्जैक्टली यही है। सो फाइव बाई थ्री एज इट इज, लॉग मॉड में एक्स प्लस वन, माइनस फाइव बाई टू एज इट इज, लॉग मॉड में एक्स प्लस टू, प्लस फाइव बाई सिक्स एज इट इज, लॉग मॉड में एक्स माइनस टू प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 11। आई होप मैंने आपको एक एक स्टेप क्लियरली बता दिया है, मैंशन किया है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप नोटिस करेंगे कि ऊपर x की पावर क्यूब जा रही है एंड नीचे x की पावर स्क्वायर है, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर की पावर अगर कम होती है न्यूमिनेटर से तब हम पार्शियली इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं पहले, है ना। तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल हम इसको अभी स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें इसको पार्शियली स्प्लिट करना है तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हम जैसे ये डिवाइड करेंगे तो ये छोटी फॉर्म में जो डिनोमिनेटर है, छोटी फॉर्म में जो अभी दिख रहा है वो, उसकी जो डिग्री है वो एग्जैक्टली न्यूमिनेटर से तो बड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन आई गेस क्वेश्चन नंबर 6 होगा इस एक्सरसाइज का, जिसमें मैंने आपको डिवाइड रूल ऑब्वियसली बता चुकी हूँ ऑलरेडी। सिंपली हमें डिवाइड करना है, नथिंग एल्स, एंड आई होप डिवाइड करना सबको आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्स क्यूब लेके आना चाहती हूँ, तो ये है मेरे पास, ऐसी इसके साथ क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास एक्स क्यूब आ जाए, ऑब्वियसली एक्स।
तो मेरा जो क्वेश्चन है वो एक्स है, जिसके कारण एक्स क्यूब माइनस एक्स आ रहा है ना। तो जो भी आया मल्टीप्लाई करके वो अंदर लिख दो, इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन, तो ये है आपके पास रिमाइंडर, ये है आपके पास क्वेश्चन और ये है आपके पास डिवाइजर। सो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, राइट। सो इस तरह से आपको लिखना होता है जब आप इस तरह से अपना डिवाइड रूल अप्लाई करते हैं, है ना। सो यहाँ पर आपके पास जब आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो अल्टीमेटली, अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, इस फॉर्म में। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स, रिमाइंडर क्या है, टू एक्स प्लस वन, और डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस वन। सो दैट मीन्स आपने इसको इस तरह से लिख दिया आफ्टर डिवीजन, राइट। सो अब आप क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखते हैं, एक बार x के साथ इंटीग्रेशन हो सकता है और एक बार इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन हो सकता है। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप इसको इस तरह से लिख दिया है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप देखो, इसको तो हम अलग से सॉल्व करेंगे, x का इंटीग्रेशन दैट इज़ वेरी इजी, राइट। तो उसको भी करेंगे बाद में सॉल्व अलग से। अब आपके पास जो फंक्शन है वो यहाँ पर इस तरह से है। अब ये देखो, ये है एक्स स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वायर। एक्स स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन मैं लिख सकती हूँ। तो इसको तो आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना आता है, एंड इसको आप पार्शियली स्प्लिट ईजिली कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास ऊपर न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी है जैसे कि आपको चाहिए होती है, इसकी पावर वन है, और नीचे की पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम पार्शियली स्प्लिट से ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे। तो इस पोर्शन को सिर्फ आपने पार्शियली स्प्लिट से सॉल्व करना है। तो जैसे ही हम इसको लेट कर लेंगे इस तरह से, नेक्स्ट स्टेप आपको ऑलरेडी पता है, आपको एलसीएम लेना है और इसका स्प्लिट करना बहुत इजी है, लाइक दिस, बहुत इजीली स्प्लिट हो गया, नीचे कोई पावर नहीं थी, सिंपल स्प्लिट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, इसका बेस एलसीएम लेने के बाद आएगा इस तरह से, ए के साथ एक्स माइनस वन, बी के साथ एक्स प्लस वन। नीचे का बेस सेम है, कैंसल आउट हो चुका है, इक्वेशन आपकी आई है टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू दिस। तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास ए और बी टू कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपको निकालनी है, और यहाँ पर आपके पास क्लियरली आप पुट कर सकते हैं, एक बार x की वैल्यू नेगेटिव रखने से ज़ीरो बन रहा है और एक बार पॉजिटिव वन रखने से ज़ीरो बन रहा है। तो आपने टू वैल्यूज लेनी है, एक बार माइनस वन एंड एक बार वन। सो सबसे पहले मैं पुट कर रही हूँ x इज इक्वल्स टू वन। सो जैसे ही मैं वन यहाँ पुट करूँगी तो ज़ीरो बन जाएगा, तो यहाँ पे हो गया थ्री, ये ज़ीरो हो चुका है, ट्वाइस ऑफ बी। सो थ्री अपॉन टू बी की वैल्यू आपकी आई है, ठीक है। अब पुट करो x इक्वल्स टू माइनस वन। सो जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस वन डालूंगी जीरो हो जाएगा, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो a की वैल्यू क्या आई है आपके पास, वन बाय टू। सो अब आपको a और b की वैल्यू, अपने वैल्यूज जहाँ पर a और b की है वहाँ पे पुट कर देनी है ये। सो आपके पास ओवरऑल फंक्शन क्या चल रहा था, x dx प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1, है ना। सो अल्टीमेटली आपने इसको पार्शियली स्प्लिट किया, तो स्प्लिट करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आई वो किस तरह से थी, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1। सो a एंड b की आप ऑलरेडी वैल्यू निकाल ही चुके हो, सो पुट कर दो। a की वैल्यू आपकी आई है हाफ और b की वैल्यू आई है 3/2। सो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो अलग से, और फिर इसका इंटीग्रेशन भी आप इजीली कर सकते हो। सो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पे हाफ की वैल्यू बाहर चली गई, दैट मीन्स आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 अपॉन x प्लस 1 का।
सो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी. अभी मैंने कॉन्स्टेंट वैल्यूज को बाहर लिख दिया है. सो एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस हाफ लॉग में मॉड एक्स प्लस वन प्लस थ्री बाय टू एज इट इज लॉग मॉड में एक्स माइनस वन प्लस सी. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 12. आई होप बहुत ही ईजी था. सिंपली इस पोर्शन को पार्शियल स्प्लिट करके सॉल्व करना था, दैट्स इट. एक्स का इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी सबको पता ही था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.